व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। राउंड टू हेल्थ चैनल से एक और वीडियो आप लोग लेके आए हैं जिसकी काफी हाई डिमांड थी। हाँ। कि R2H का जो है आस्क R2H Q&A एपिसोड 2 पहले पे भी हमने किया हुआ है, अब सेकंड पे कर रहे हैं और काफी डिमांड थी शोले पे रिएक्शन की, तो उस पे हमने रिएक्ट करके कल अपलोड किया था, तो जरूर चेकआउट करना। और स्टोरी भी डाली थी, हाउ स्वीट ना, अप्रिशिएट किया था राउंड टू रिएक्शन पे, रिएक्शन में जितने भी जिन्होंने भी रिएक्शन दिया था उनके जो एज ऑफ वाटर के टीजर थे। और 26 तारीख को आ जाएगा भाई साहब एपिसोड, वो नया नई वीडियो आने वाली, मजा आएगा। तो एक बार कमेंट में प्लीज स्टार्टिंग में ही राउंड तो Q&A भी इतना फनी होता है। R2HOP राउंड 12 OP जरूर लिख देना और चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। रेडी 1 2 3 गो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शाउट गेमर YT, भाई हॉरर हाउस वाली वीडियो कैसे डिलीट हुई? नहीं डिलीट हुई है। हेलो गाइस, गाइस ये है Q&A की हमारी सेकंड वीडियो जो कि आने वाली थी 10 मिलियन के बाद, लेकिन अब हो गए ऑलमोस्ट 10 point something million। तो गाइस हमने एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर Q&A वीडियो के रिगार्डिंग और उस पोस्ट पर आए थे क्वेश्चंस 36,000 क्वेश्चन और इतने क्वेश्चनों का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए, उसके जवाब हम देंगे, बाकी के रह गए वो अगले Q&A में आ जाओगे यार, है ना, तो टेंशन मत लेना। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लिस्टरिंग बेब का, अगर आप लोग नेटफ्लिक्स पर आओगे तो अपनी पहली वेब सीरीज का क्या नाम रखोगे? लव योर वीडियोस, सेक्रेट डल्ला। और तुम क्या रखोगे वसीम भाई? घर में मरा भूत और डायरेक्टर की माँ की, बस हल्का हल्का। गाइस नेटफ्लिक्स पर जब आएंगे तो वो देखा जाएगा किस चीज पे बनाएंगे, और अमेजन पे भी आएंगे, सब पे ट्राई करेंगे आने का। तो आप लोगों का ऐसी प्यार मिलता रहा तो इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है GPAL4469, बदतमीज लड़का 69, बताओ नाम में 69 क्यों लगा था? तो इनका क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज फॉर जैन, अगर आपको IPL में कमेंट्री करने का मौका मिले तो क्या बोलोगे आप? तो मैं एक वीडियो सर्च करता हूँ, इसमें 6 छक्कों वाली, 7 मारे थे ना, 7 छक्कों वाली वीडियो, अरे टिकटॉक वाले नहीं। और यहाँ पर ये युवराज से कुछ कह रहे हैं इंग्लैंड के कैप्टन, आजा सुतरी के तेरे बॉलरों की गांड फाड़ दूंगा, ये आगे बढ़े युवराज उसकी तरफ को, आई इधर को आना तेरी एम्पायर ने, और ये बॉल डाले और ये छक्का, ओ भाई साहब बहुत ही लंबा छक्का मारा है युवराज ने, जुल्फिकार से भी लंबा छक्का है, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। और ये बॉलर बोले मैं यहाँ को आया मैं ही मादर चोर हूँ, चारों तरफ कोरा ही कोरा, आसमान में कोरा ही करने जा रहा, और ये एक और छक्का, अच्छा रिप्ले है। तो गाइस मैं ऐसी किस तरह की कुछ कमेंट्री करूंगा, अगर IPL में किसी को कमेंट्री में लेना है तो जैन उपलब्ध है, सस्ते दामों में मिल जाएगा आपको, सस्ते दामों में 50 रुपए में 100 रुपए में मैं मान जाऊंगा, 50-55 रुपए में गली वाले क्रिकेट बजट में आ जाएगा, बजट में मिलेगा आपको। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है द रियल संजू रॉक्स, अगर आप तीनों यूट्यूबर्स ना होते तो क्या होते? सब्जी वाला, सब्जी वाला। अरे मैडम जी ताजी सब्जी है, ताजी लोगी है, लोगी क्यों? चट्टे चट्टे चट्टे, रंग बिरंगे चट्टे, लाल पीली नीली मजबूत हरी गुलाबी चट्टे, टिकटॉक वाली चट्टे, चट्टे चट्टे चट्टी भाई साहब सही रिक्रिएट किया था। मैं तो बड़ा गरीब, मैं तो बड़ा गरीबों को पैसे बांट दिया था यार, ले पैसे। मैं अगर यूट्यूबर ना होता तो कपड़े बेचता, कपड़ों के फैक्ट्री का मालिक होता यार, अच्छा खासा, ये तो यूट्यूब में आ गया। और यहाँ तो आलम ये है कि सब्जी वो सब साब जी कहते हैं मुझे, सब साब्जी बहुत बड़े आदमी होते हैं, बहुत बड़े आदमी होते हैं, बहुत बड़े आदमी, गलती से आ गए यूट्यूब में, मिलेनियल मिलेनियल मार्क जुकरबर्ग टक्कर नहीं ऊपर, खैर छोड़ो। अगला क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन थोड़ा सीरियस है गाइस, और ये पूछा है आजिम हिजेयर ने, जब आपको पहली बार किसी फैन ने रोक कर बोला था कि मैं आपका फैन हूं तो आपको कैसा लगा था, और यूट्यूब की फर्स्ट इनकम का क्या किया था? गाइस हमें बहुत अच्छे से याद है जब हम अपने पहले किसी फैन से मिले थे, वो लोग थे बैंगलोर और दिल्ली से, तो हम एक ढाबे पे स्क्रिप्ट लिखते थे अपने मुरादाबाद में, हमेशा रात को लिखते थे, तो हम रोज की तरह बैठे थे वहां पे स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो कुछ लोग आए, 3-4 लोग थे वो, और उन्होंने हमारे साथ सेल्फी ली, बाद में वो लोग चले गए थे। बाद में वो चले गए, फिर हमें लगा कि चले गए, हाँ कोई बात नहीं, नॉर्मल मतलब सेल्फी तो चलो ले ली,
लेकिन वो वापस रिटर्न आए और पेन और पेंसिल पेपर लेकर आए थे, मतलब पेन और पेपर। तो उन्होंने पूछा कि ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ, तो मतलब वो बहुत बड़ी मूवमेंट थी कि यार ऑटोग्राफ भी लेकर गए थे। और वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग बहुत आगे जाओगे, इसलिए हम ये ले रहे हैं ऑटोग्राफ, हमें आपका पता है। और अगर फील की बात करें तो कैसे लगा हमारे एकदम से, जैसे उन्होंने सेल्फी के लिए बोला, क्योंकि पहली सेल्फी थी है ना, और वो फैन थे हमारे, तो हमारे मुंह लाल हो गए हैं एकदम से, हम कांप गए कि यार सेल्फी, पूरा एकदम लाल पड़े थे तीनों लोग, बस क्या ही बताएं, वो और फीलिंग्स को नहीं भूलते। और फर्स्ट इनकम का हमने पहले डिसाइड कर लिया था आने से पहले कि वो फर्स्ट इनकम हम गरीबों, गरीब होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं उनको देंगे। तो जैसी हमारी इनकम आई थी तो हमने सारी की सारी इनकम कुछ जरूरतमंद लोगों को दे दी थी। तो पहले डिसाइड कर लिया था कि एक रुपया नहीं रखेंगे, वो सारी इनकम उधर दे देंगे जो भी आएगी। बस 50 रुपए का पेट्रोल, 120 रुपए का पेट्रोल डलवाया था उन पैसों में से हमने। हाँ, तो थोड़ी गलती होगी। आप लोग भी कुछ कुछ थोड़े अच्छे अच्छे काम करते रहिए ऐसी, इससे ये होता है कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनका हो जाता है थोड़ा बहुत, रोपी बॉयज का तुम तीनों में से किसका ज्यादा बड़ा? Oh, shit! Oh, shit! तो क्या बड़ा है वे? इन्हें क्या क्या बड़ा है, साफ साफ पूछना। अरे दिल की बात कर रहा हूँ, दिल किसका बड़ा है? साले दिल की ना कर रहा ये बात, फिर किसकी कर रहे हैं? सबके पास होता है, सबके पास होता है। फंड की बात कर रहे हैं, ये दंड की बात। ये क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन है मिस्टर एरोगेंट का, इफ यू आर एट योर लास्ट ऑफ लाइफ व्हाट्स योर लास्ट विश? अपनी जिंदगी के आखिरी समय में आपकी आखिरी इच्छा क्या होगी? तो गाइस देखो, मेरी तो आखिरी इच्छा यार आप लोगों को हंसाना होगा यार, लास्ट टाइम भी जाते हुए। और मेरी आखिरी विश होगी कि जो 10.8 मिलियन लोग हैं उन सभी से एक साथ मिलना। देख रहे हो कितनी अच्छी अच्छी विश मांगते हैं, मतलब लास्ट टाइम में। तो आपकी लास्ट विश क्या होगी, क्या होगी आपकी लास्ट विश, क्या चाहेंगे आप लास्ट में? मैं इसकी मानना चाहूंगा, मादर का लड़ते हैं ना, चालू चिकट में मैंने संभल के घर देख लूंगा तुझे। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कैफ शकील का, तुम तीनों में से कौन सबसे ज्यादा चूतिया है? ज़ूम कर रखा चला छोड़ गए बग गए बहुत सड़ी का छोड़ गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नाम साजिद है, डीएम हर्ष बेनीवाल एंड आस्क हिम पर कोलैबोरेशन। क्यों कर रहे हैं मुझे पसंद, न्यूज़ की वीडियो जरा भी मेरा कद्दू करेगा कोलैबोरेशन, इसका नाम ले दिया उसका, मैं उसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे हम। देसी देसी बनाता वो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि उसके साथ करेंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे पता नहीं था, बेकार आदमी है। देसी का क्या मतलब रह गया, और तू भी देसी देसी करने लगा। देसी हाय हर्ष, बिग फैन ब्रो, हर्ष मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छी वीडियो बनाता मारेगा बढ़िया वीडियो भी देसी वाली। मैंने तो पिक्चर भी देखी है हर्ष की, कोई मिल गया जो आई थी, कोई मिल गया यार, देसी और कोई है वो, क्या खैर बढ़िया वीडियो बनाता है। थैंक यू सो मच भाई। तो गाइस क्वेश्चन क्या था ये, इसका जवाब हर्ष खुद देगा, डीएम कोलैबोरेशन। उन्होंने मुझे डीएम किया और अब मैंने बोला हाँ भाई बताओ कब करनी है कोलैबोरेशन, मैं तो पूरा रेडी हूँ, अब ये लोग बताएंगे कब करनी है कोलैबोरेशन। बात चल रही है अभी, अभी हमारी बेसिकली स्क्रिप्ट चल रही है हमारी, मतलब इन्होंने भी कुछ अपने आइडियाज फेंके हैं, हमने यहाँ से अपने आइडियाज फेंके हैं, देखने को मिल सकता है। ये मेरी स्क्रिप्ट को हाई नहीं कर रहा, प्रूव ही नहीं कर रहा, कह रहे नहीं हमें और कुछ बढ़िया चाहिए, अब इनको मेरा कंटेंट नहीं पसंद ना, ये 10 मिलियन वाले हो गए हैं। बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि दोनों अच्छे क्या पहले भी नहीं पसंद था, 10 मिलियन तो छोड़ दो पहले भी नहीं, वो थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है। देखो गाइस जब भी लाएंगे फाड़ वीडियो लाएंगे, क्यों धमाका लाएंगे, कोलैब आएगा, छोटे उससे हम सेटल नहीं करेंगे, हम कुछ बड़ा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। इनका वीडियो देखा, मेरा वीडियो देखा, तो धमाका ही आता है, टाइम लगना तो बनता है बढ़िया बिल्कुल। एक TNG होगा मेरा साइड से, जब इनका कुछ अंधा गूंगा बहरे वाला होगा तो बस फोड़ेंगे, डन। शॉट जल्दी आएगा तो वेट करना कोलैब के लिए, अभी आ जाएगा 20 में आ गए, 20 के स्टार्टिंग में कर देंगे। चलो डायलॉग मार जाओ हर सी का, अपना फेवरेट जेम वाला तेरी बहन का कुत्ता काटूं।
मेरा तो यही फेवरेट है। तुम करो, मैं ज्यादा फुटेज नहीं खाता। चलो भाई मैं निकलता हूँ अपने ऑफिस से ही। तो ये छलावा था, हर्ष वर्ष कोई नहीं था, ये हर्ष का भूत था, नकली VFX डलवाया था हमने, इतना बजट नहीं है। हर्ष आए हमारी वीडियो में, मैं देसी बनाता वो वही है। चलो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हिमांशु दावस 9 का, तुम्हारी आपस में कभी किसी बात पर लड़ाई या अनबन हुई है क्या? तो गाइस हम आपको बता दें कि हमारी कभी भी लड़ाई नहीं हुई, ना होती है। ये हम खुद मानते हैं कि ऊपर वाले का पता नहीं क्या है कि हमें कभी लड़ाई नहीं होती। नाजिम भाई चाय। शुक्रिया। तू क्यों पीगा, हम पीएंगे। अबे मेरे लिए आई है चाय। अबे ओ हमारे लिए आई है। हैं, मेरे लिए चाय आई है। कुछ छोड़ो। अबे ओ अबे ओ अबे चाय मेरे लिए आई है। लड़ाई तो होगी अकेले यहां कुछ पीने का चला। ले ले तू 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 बस ये हमको ला कप मेरा। ओरी मैया मारी गई तू बेगा कैरेक्टर बेस्ड। तो अगला क्वेश्चन है अलादीन के कैरेक्टर। मैं तू जानता नहीं है मोंटी कौन है। मोंटी को धमकी देता है। मोंटी भाई आपके लिए क्वेश्चन है, मोंटी भाई को क्या सच्ची में इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता? कौन कह रहा है मोंटी को इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता? कौन कह रहा है? अभी देख तू, जल्दी देख इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम यूट्यूब है। कोई कोई बात नहीं मोंटी भाई, हो जाता कभी कभी नहीं आती कुछ चीजें। खैर एक पर्सनल क्वेश्चन है मोंटी भाई, वो जो राकेश ने जिन अलादीन वाली वीडियो में आपकी मारी थी तो क्या दर्द होगा? तू जानता नहीं है मोंटी कौन है ना? ना तू जानता नहीं है मोंटी कौन है? भाई ये अखबार कौन बेला रहा है कि मोंटी भाई के टिकटॉक पर 3 फॉलोअर्स हैं। हलांते 3 फॉलोअर साले, इंस्टाग्राम के नाम पे यूट्यूब खोला पड़ा। माना रहा था साले से। मोंटी को जानता ना जानता ना, अनपढ़ है मोंटी साला जाहिल। तो अगला क्वेश्चन है गाइस नसीम टिम्मा और फिर धान जी के लिए, चलिए उनको बुलाते हैं। पहले मुझे तो जाना पड़ेगा यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन है नसीम टिम्मा जी से। नसीम टिम्मा जी खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? अरे आप उनके घर से, आप उनका चच्चा का खड़ा होता है ना, चच्चा खड़ा होता है ना, तो घर से किसी एक का खड़ा करते हैं, एक को खड़ा करते हैं तो अपना चच्चा खड़ा हो जाता है, इसलिए नहीं लड़ता मैं। ओके नसीम टिम्मा जी आपसे एक क्वेश्चन और है, इस बार पार्टी का चिन्ह क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल पूछ लिया तूने। पिछली बार आप उन लोगों को सुअर मिला था, मतलब सुअर, इससे बुरा चिन्ह मेरे को मांगता आपके, तो आप उन कौवा कौवा पकड़ेगा इस बार। तो नारा कुछ इस तरीके से होगा आप उन लोगों का, पैसा ना घट रहा पौवे पे, अरे मोहल्ले के कौवे पे, अरे पैसा ना घट रहा पौवे पे, पैसा ना घट रहा कौवे पे। प्रधान जी आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानी आने के बाद पबजी वालों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हम इसमें बहुत काम करेंगे। हमारी सरकार आते ही हर पबजी प्लेयर के अकाउंट में 5-5 रॉयल पास, 98 का डैमेज दुगना हो जाएगा। और तो और जो भी रैंडम स्क्वाड बनेगा पबजी का, तो उसमें एक लड़की जरूर होगी। और टीडीएम खेलने वालों के लिए मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। TDM के और तो और हर घर में AWM आपको पड़ो मिलेगी, ड्रॉप की कोई जरूरत नहीं होगी हमारी सरकार में। क्यों जरूरी है आप उनका प्रधान? अरे मान लगेगी कौवे पे, अरे मान लगेगी कौवे पे। अरे भीग बढ़ रही है, कौन लगा भीग? मालूम नहीं क्या। तो गाइस अगला क्वेश्चन है ब्लाइंड और डम से, तो हम स्वागत करेंगे ब्लाइंड और डम का, आ जाइए। हर बार गार्डन में ही क्यों करते हो यार? चाटा बढ़ता सुतरी के। तो डम सर आपसे एक क्वेश्चन आया है कि आप ये जो डम हुए हैं कैसे हुए? डम हुए कैसे? टाइम बहुत समझ में आ रहा ना मुझे। अगला क्वेश्चन है ब्लाइंड से, I have a question for blind dumb वाला, कितना सुंदर है सर? डम वाला सुंदर है वसीम। यस
भाई साहब चील की निगाह है मेरी, चील घुंघरालू तो बाल है इसके, पतला पतला सा 7 फीट लंबा है ये, और भाई साहब क्या चेहरे पे नूर है इसके, इतना गोरा है अंग्रेज भी फेल है भाई साहब। चील की निगाह है मेरी, ऐसी बता देता हूँ, चील की निगाह है ये, चील की निगाह से गेट देख रहा हूँ। हाँ इधर से चले जाओ, उठ के जाइए, बेइज्जती करनी है, शुक्रिया। सो अगला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा है वो पूछा है डम ब्लाइंड डेफ से बैरे से, तो बैरे आ जाए से आवाज ना। ऐसी क्या घटना हुई आप लोगों के साथ जो आप अंधे बैरे गूंगे हो गए? नहीं नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हो आप, असली एक्टिंग स्पाइडरमैन की अभिषेक बच्चन नहीं करेगा। क्वेश्चन समझ नहीं आते इसको, आंसर क्या दे रही है तू और सवाल क्या है? बात कर रहा हूँ पप्पू की लौंडी की शादी हो रही है। मैं साले देव मैं समझा रही हूँ, मेरे लिप्स को ध्यान से पढ़, मुंह में डालना बराती होगी। अरे यार यहाँ पे कोई शादी वादी नहीं हो रही, तू निकल। फ्रस्ट्रेशन मोहब्बत की है उससे, मैं बराती हूँ, इसका कत्ल कर दूंगा मैं। अबे कौन सी मोहब्बत कौन सी शादी साले, तू निकल। नहीं नहीं जाना तो नहीं जाना, मैंने छोड़ दिया था, भूल जाऊंगा। अबे किसको भूल गया, मोहब्बत की है मार लो निकल। अजनू ने भी पत्थर खाए थे, मैं जूते खा लूंगा तुझे। मैं निकल लिया यार, मोहब्बत की है नहीं जाऊंगा। अबे निकल साले, बहुत खुश रहेगी, खुश रहेगी मेरे बिना। भैया पागल कर देगा, निकल बैक। मेरे ने मोहब्बत की है यासी नहीं, कैसे डिलीट हुई? गाइस ये क्वेश्चन हमसे बहुत पूछा गया जब वीडियो डिलीट हुई थी, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन था जो कि हमने लोगों से नहीं बताया, क्योंकि हम चाहते तो बता भी सकते थे और कॉन्ट्रोवर्सी में आ सकते थे, उसका कुछ फायदा भी ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि वीडियो का रीजन ये था कि जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें जो हमने कैरेक्टर प्ले किया था फादर का, तो वो जो वो कैरेक्टर था उस कैरेक्टर को लेके कुछ लोकल में हमारे जहां हम रहते हैं वहां के लोग ऑफेंड हो गए कि आपने हमारे धर्म को ठेस पहुंचाई है ऐसे वैसे। हालांकि हमारा ऐसा किसी को कोई इंटेंशन नहीं था हर्ट करने का, और हमें मतलब ये पता भी नहीं था, ये न्यूज़पेपर में आ रही थी रोज के, मतलब लोगों ने केस कर दिया इस पर, पुलिस केस हुआ था पूरा, एग्जैक्टली पूरे हफ्ते भर न्यूज चली थी, तो हमें फिर हफ्ते भर जाके पता चला जब एक कॉल आई कि आप आ जाइए यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, है ना। तो गाई एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है, और कोई एकदम से बोल देता कि वीडियो डिलीट करो तो बहुत हर्ट होता है। तो मतलब यार देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने उसमें गलत करा सही करा, बट ऐसा तो हॉलीवुड में आपने मूवी देखी होगी फादर से रिलेटेड, मैंने देखी है वो, बहुत गंदे सीन है यार उसमें, इसमें तो कुछ भी नहीं था हमारी हॉरर वाली में, ऐसी बॉलीवुड में भी है हॉरर से मतलब फादर से रिलेटेड, तो हमने उसमें उन्होंने उसमें भी नहीं देखा, हमारी वीडियो में उनको दिखा। खैर कोई नहीं, हम किसी के धर्म को कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहते थे, हमने ह्यूमैनिटी वाली वीडियो भी बनाई है, हम वो भी दिखा सकते हैं आपको, बुरा लगा तो हमने डिलीट कर दिया क्योंकि हम सब धर्म की रेस्पेक्ट करते हैं। और लोगों को थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि कोई किस तरीके से मेहनत करता है, कैसे क्या करता है, उसको थोड़ा फनी वे में देखना, हम फनी वे में से जाने जाते हैं तो फनी वे से देखें, थोड़ा वो लाइट कॉमेडी ऐसे कॉमेडी ले सकते हैं, बट कोई नहीं, हम सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो कोई नहीं। मतलब जैन ने जैसा बोला कि कॉन्ट्रोवर्सी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, हमने अपने फैन तक से छुपाई है बात कि क्या मैटर है क्यों है, क्योंकि वो हमें लोग सपोर्ट करते उल्टा कि आपकी वीडियो नहीं डिलीट होनी चाहिए, लेकिन नहीं कि किसी को अगर ठेस पहुंची है तो वो हम नहीं पहुंचाना चाहते, हमसे गलती हुई, हमने उनको सॉरी बोला था। क्योंकि गाइस बुरा ये भी लगा कि हमने पूरा ध्यान रख के वीडियो बनाई थी कि यार फादर का कैरेक्टर है, तो हमने फादर को फादर के तरह नहीं दिखाया, हमने उनका नाम भी फादर नहीं लिया, इसलिए अब्बू बोला कि यार इंटेंशनली हम ना करें ऐसी चीज, और ऐसे क्रॉस साइन होता है फादर का वो भी हमने यूज नहीं किया था, गोल गोल राउंड किया था, तो ओवरऑल हमने पूरा ध्यान रखा था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको अपने ऊपर ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने वो डिलीट कर दी क्योंकि सेंटिमेंटल हर्ट को हम भी यार रेस्पेक्ट करते हैं, हर धर्म की रेस्पेक्ट करते हैं, कोई नहीं हो गई थी वीडियो डिलीट, तो आज हम उसका रीजन सिर्फ आपको इसीलिए बता रहे हैं आपको पता चले। हाँ इसीलिए बता रहे हैं कि बहुत से लोगों को पता नहीं था, कि बहुत से लोग आज भी यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्यू एन ए में भी यही क्वेश्चन आया, इसीलिए हम आप लोगों को इसीलिए बता रहे हैं कि हाँ जी ये इशू था, और हमें आपको बताना बनता भी है क्योंकि आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप लोग अभी तक पूछ रहे हैं तो आज बता दिया।
आगे से ध्यान रखेंगे कि यार कोई फिर से ऐसी गलती ना हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते। और बस ये ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसी सपोर्ट करते रहो और वीडियो को शेयर करते रहो। गाइस ये था गाइस अपना Q&A, सो एपिसोड सेकंड, और मिलेंगे इन लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लेट आ रही है ना, अब जल्दी आएंगे जल्दी। तो ये Q&A था, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को वसीम भाई लाइक करें, देन सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर वीडियो पसंद आई है तो, बिल्कुल गाइस, एंड शेयर भी कर देना। सो लव यू गाइस। इनका तो मैं वही बोल रही Q&A भी इतना इंटरेस्टिंग बना दिया ना, इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा मेरे को सैड लगा, वीडियो एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है। और ये वाली बात सही है, हॉलीवुड और बॉलीवुड बहुत सीन्स हमने देखे हैं जो मैं अगर कहा जाए तो डिसरिस्पेक्टफुल होते, लेकिन ये समझिए एक सिनेमा रील और रियल लाइफ थोड़ा सा, और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा था, खुद भी बताया इन्होंने, और एक क्रिएटर को ना बहुत यार एक मेहनत लगती है, बहुत चीजें होती हैं उस वीडियो के साथ, तो थोड़ा सा लोग थोड़ा समझना चाहिए कि कॉमेडी और रियल लाइफ में क्या फर्क है, और उन्होंने सच में क्या उनकी इंटेंशन थी वो, क्या सच में उन्होंने जानबूझकर इंटेंशनली वो चीज करी या नहीं। बाकी यार देखो इंडिया में क्या है कि ना धर्म वाला टॉपिक बहुत सेंसिटिव हो जाता है, अगर मैं भी कुछ बोलूंगा ना तो मेरे खिलाफ भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे उठ के, तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं लगता है। तो ये जो यंग जनरेशन है ना मुझे अच्छी इसलिए लगती है, अब जो युवा पीढ़ी अपनी आ रही है ना वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत जल्दी समझती है, वो बस ये नहीं होता कि ब्लाइंड होके अंधविश्वास टाइप की, नहीं बस गलत कह दिया तो कह दिया, वो समझने वाली जनरेशन अब हो रही है, और ये चीज अच्छी लग रहा है जो अपनी युवा पीढ़ी है बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत मेच्योरिटी के साथ ग्रो कर रही है, ये चीज बहुत अच्छी बात है। और मेरे को अच्छा लगा कि भाई ने बहुत अच्छे से क्लियर करा, बहुत स्वीटली करा, और बाकी जो पूरा Q&A था बहुत फन से था, चाहे हर्ष वाला पार्ट था कि यार देसी बना हुआ है वो, हम ना जा रहे उसके पास कोलैब करने के लिए, वो वाला पार्ट है यार, ठीक है मैं जाता हूँ अपने स्टूडियो से जा रहा हूँ मैं, और डम ब्लाइंड डेफ वाला भी अच्छा कहता है मोहब्बत करता हूँ मैं, ना जाऊंगा क्या कह रहा, ना ना स्पाइडरमैन में तो अभिषेक बच्चन ही अच्छी हो गया, वो बड़े तो सारे कैरेक्टर प्ले, जैसे इलेक्शन वाला पार्ट दिखाया था ना वो बढ़िया था, पैसे ने कम हो रहे पौवे पे बोर लगेगी कौवे पे, बहुत ही हैपनिंग था इनका पूरा यार। और अब पता नहीं कब आएगा, अच्छा था ना आप तीनों में और बहुत एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, सच में ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग टीम ऑन यूट्यूब है मैं बताता हूँ। और अब कई लोग ये भी कहते हैं गाली देते हैं, तो भाई मेरा जवाब ये है कि वो एज एन एंटरटेनमेंट, अगर आप मूवीज उठा के देखो या वेब सीरीज उठा के देखो ना नेटफ्लिक्स हर जगह इतनी गाली गलौज भरी, तो वो चीज नहीं, आज आप एक मूवी देख रहे हो एंटरटेनमेंट के साथ तो उसको उस तरीके से इंजॉय करो, ना कि उसके अंदर आप वो चीज करो कि आप इंजॉयमेंट से ज्यादा उसमें कमियां निकालने के पीछे पड़ रहे हो, क्योंकि एक क्रिएटर बहुत मेहनत करते हैं उसको देखने में। ये बोल सकते हो कि हाँ फनी कम थी अब की बार, ये था वो बोल सकते हो, अब ये नहीं कि हाँ उसमें कमियां निकालने जो कि भाई ये कर दिया ये गलत कर दिया गाली होती है इनकी, अगर आपको पता लग गया कोई गाली देता है तो अब नहीं देखें तो मत देखो उसकी वीडियो, देख के भी बार बार वही चीज डिसरिस्पेक्ट मत करो, और बहुत तगड़ा कंटेंट बनाते हैं, मेरे तो भाई पर्सनल फेवरेट है। और अभी आए जो वाटर आने वाली तहलका मचा देगी, आती सच में यार मेहनत दिखती है, टीजर ट्रेंडिंग में था, टीजर ट्रेंडिंग है, मेहनत बिल्कुल भाई बिल्कुल दिखता है, तो एंड आई एम श्योर आप लोग को मजा आएगा रिएक्शन देख के। तो चैनल को भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में R2H OPOJ अभी तक नहीं लिखा तो और वीडियो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।